गांधी पार्क हरपाल नगर में जगतगुरु रामानुज स्वामी जी के सहस्त्र शाब्दिक समारोह के चलते श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। कथावाचक बालक स्वामी ने बताया कि घमंड व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है और नम्रता व्यक्ति को ऊंचाइयों की ओर ले जाती है। ज्ञान व्यक्ति को ऊंचा उठाता चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के क्रोध से ब्रजवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली से उठा लिया था। बालक स्वामी जी ने कहा कि बिना प्रभु चिंतन के शांति नहीं मिल सकती। जो मनुष्य ईश्वर का स्मरण नहीं करता वो वास्तव में अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण के विवाह का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया गया। भक्त भी इस मनमोहक घड़ी में झूमते दिखाई दिए। काले देव पूनम की रात्रि मैं तुम्हारे कामनाओं को पूर्ण करूंगा। आज पूर्णमासी की वो रात्रि है। गोपियों के ऊपर में प्रतिबंध था, घर से बाहर नहीं जा सकते। कुछ गोपियों को ताले के अंदर में जड़ के रखा गया था, कमरे के अंदर, कृष्ण से मिल नहीं सकते। योग मायाम पाश्रतः भगवान योग माया को सरोद फुल मल्लिका वीक्षरन्तो मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। भगवान ने योग माया को बोला। देखो ये कृष्ण की जो रास है पागल बना दिया है मुरली इस कला को कहते हैं रस। रसोपेशन संस्कृत साहित्य के अंदर में रस को ही रास कहा गया और रस ही ब्रह्म है। रस ही ब्रह्म है। जहां रस नहीं है सोच ना वहां ईश्वर नहीं है। रस ही ब्रह्म है। रसो वैसा का मतलब भी वही हुआ कि रस ही वही है और रस में वो है, इसलिए उसका नाम पड़ा रास। भगवान योग माया को बोला। जमुना का तट स्टेज, जितने भी तारे थे सब आ गए, झालर बन, चंद्रमा भी वहां पर आ गया। ऐसा चंद्रमा पागल बना दिया है तेरे ये मन चुरा लिया है, ये मन चुरा लिया है, ये मन चुरा लिया है। हो हरे कदम चुरा लिया।
क्यों न हो दीवाना, मन क्यों न हो दीवाना, के भूत जो पिया मन क्यों न हो दीवाना।